सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर एक नया अपडेट्स आया हुआ है जो आप सभी के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया हुआ है कि क्या हमें सत्र 2022-23 में नवप्रवेशी बच्चों की यानी कक्षा 1 व कक्षा 6 के छात्र छात्राओं की किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करें और क्या हमें सावधानी रखनी है, सबसे पहले क्या होना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले क्या डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास कलेक्ट करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए वीडियो के साथ में। प्रेरणा पोर्टल सभी शिक्षक ध्यान दें, पोर्टल पर हुए बड़े बदलाव। सभी BSA BEO एवं DC ध्यान दें, प्रेरणा पोर्टल पर शैक्षिक सत्र 2022-23 में गत वर्ष के पंजीकृत छात्रों को प्रोन्नत किया जा चुका है तथा नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के पंजीकरण की सुविधा प्रेरणा पोर्टल के टीचर लॉगिन पर दे दी गई है। प्रेरणा पोर्टल के टीचर लॉगिन से प्रोन्नत छात्र छात्राओं को नवीन सत्र में वेरीफाई किए जाने एवं नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नवीन पंजीकरण की कार्यवाही टीचर लॉगिन से किए जाने हेतु यूजर मैनुअल संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया इस यूजर मैनुअल को तत्काल अपने जनपद के सभी शिक्षकों को प्रेषित करते हुए यूजर लॉगिन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नत छात्र छात्राओं को सत्यापित कराए जाने एवं नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को पंजीकृत कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। शैक्षिक सत्र 2022-23 नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें, यूजर मैनुअल। नवीन पंजीकरण करने के महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन पंजीकरण कराने के लिए बच्चे का आधार होना जरूरी है। यदि बच्चे का आधार नहीं बना तो उसका पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत बच्चे का आधार 15 दिन के अंदर बनवा कर पोर्टल पर सत्यापित करें। DBT योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के अभिभावक के रूप में उसके माता पिता का ही आधार सत्यापित होगा। यदि बच्चे के माता पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन में से किसी एक का आधार सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन उस दशा में आपको ग्राम प्रधान या सभासद द्वारा प्रमाणित कराकर बच्चे के माता एवं पिता किसी के जीवित न होने का प्रमाण पत्र विद्यालय में रखना होगा। आधार को सत्यापित करने के लिए पोर्टल पर आपको 3 अवसर दिए गए हैं। कृपया आधार कार्ड से विवरण मिलाते हुए हूबहू विवरण पोर्टल पर अंकित करें। यदि किसी बच्चे अभिभावक के आधार में कोई त्रुटि है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ नाम की, तो उसे आधार सेंटर पर ले जाकर आधार को संशोधित करा लें, तदुपरांत ही पोर्टल पर एंट्री करें। ये साथियों, स्टेप 1, सर्वप्रथम क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे या गूगल पर www.prerna.up.in पर ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन होकर के आएगा और लेफ्ट साइड क्लिक हियर जहाँ शो कर रहा है यहाँ पर टीचर लॉगिन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा इस प्रकार से यहाँ भरेंगे और लॉगिन करेंगे तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी। इसी प्रकार से आगे की प्रोसेस होगी। तो साथियों, इसकी यूजर मैनुअल की हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ताकि इसको बताने जाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगा ये वीडियो तो। और वहां पर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी पड़ा हुआ है हमारा, पहले भी हम रजिस्ट्रेशन का बना चुके हैं तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही, तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट दे करके भी आप पूछ सकते हैं। साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।